नमस्ते। आज की प्रातःकालीन प्रार्थना सभा में आप सभी का स्वागत है। आज मई माह की 4 तारीख दिन मंगलवार है। आज के पंचांग के अनुसार विक्रमी संवत 2078, शक संवत 1943, आज वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि है। आज का नक्षत्र श्रवण, आज का योग शुक्ल है। प्रविष्टि की यदि बात करें तो आज वैशाख माह के 21 प्रविष्टि घटित हो रहे हैं। मुस्लिम माह रमजान की आज 21 तारीख है। अब समय है आज की प्रातःकालीन प्रार्थना का। आज के दिन हम गायत्री मंत्र, हनुमान चालीसा, हमारे विद्यालय के ध्येय वाक्य सहित राष्ट्रगान का उच्चारण करते हैं। तो आप सभी से निवेदन है, अपना सिर ढक लें। ऑल क्लासेस Be ready for Gayatri Mantra. चरण सरोज रज निज मनु मुकुर सुधारि बरनउ रघुवर विमल जसु जो दायक फल चारि बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर राम दूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन बरन बिराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मूंज जनेऊ साजे शंकर सुवन केस
केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सिंह ही दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर सहारे राम चंद्र के काज सवारे लाए संजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हर शिउर लाए रघुपति की नी बहुत बढ़ाई तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई सहस बंदन तुम रोजस गावे अस कहीं श्रीपति कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिसा जम कुबेर दिकपाल जहाते कभी कोविद कह सके कहां ते तुम उपकार सुग्रीव ही कीना राम मिलाय राजपद दीना तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना जुग सहस्र जो जन पर भानु लीलयो ताहि मधुर फल जानू प्रभु मुद्रिका मिली मुख माही जल दिलांग गए अचरज नाही दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुमरे देते राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिनु पैसारे सब सुख लहे तुम्हारी शरणा तुम रक्षक काहू को डरना आपन तेज संहारो आपे तीनों लोक हाँकते कापे भूत पिसाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे चारो जुग पर ताप तुम्हारा है पर सिद्ध जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता असवर दीन जान की माता राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपति के दासा तुमरे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख विसरावे अंत काल रघुवर पुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई और देवता चित्त न धरई हनुमत से सर्व सुख करई संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमिरे हनुमत बलवीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरु देव किनाई जो सत बार पाठ कर कोई छूट ही बंदी महा सुख होई जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्धि साखी गौरी सा तुलसीदास सदा हरि चेरा कीजे नाथ हृदय महडेरा पवन तनय संकट हरन मंगल मूरति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुर भूप अस्तो मा सद्गमया तम सो मा ज्योतिर्गमया मृत्योर्मा अमृतम गमया ओम शांति 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 ओम बी रेडी फॉर नेशनल एंथम नायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंग विंध्य हिमाचल यमुना गंगा कुंचल जल तरंग तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे गावे माता की जय भारत माता की जय भारत माता की जय वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे
मातरम। प्रातःकालीन प्रार्थना के बाद आज हमारे साथ हैं कालका हिमाचल होम्योपैथी से डॉक्टर ट्विंकल, हमारे क्षेत्र के जाने माने डॉक्टर। डॉक्टर ट्विंकल हमारे साथ हैं और वह हमें बताएंगी कि हम इस कोरोना महामारी के दौरान किस प्रकार से अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं, एवं गलती से यदि हम संक्रमित हो भी जाते हैं तो हमें क्या क्या बचाव करने चाहिए। नमस्ते डॉक्टर ट्विंकल, कृपया अपने अमूल्य विचार हमारे साथ साझा करें। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मायसेल्फ डॉक्टर ट्विंकल सिंह, वर्किंग इन हिमाचल होम्यो क्लिनिक। आज हम जिससे भी बात कर लें उनके सिर्फ मुंह पे एक ही बात है, कोरोना। और हम जितना इसे डर रहे हैं उतनी ही इसके बारे में अफवाहें भी हैं। तो आज हम जानेंगे कोरोना के कुछ ट्रुथ और मिथ्स के बारे में। कोरोना एक वायरल इन्फेक्शन है जो कि म्यूकस मेम्ब्रेन के थ्रू हमारी बॉडी में ट्रेवल करता है। जब भी हम किसी कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आते हैं तो ये एयर ड्रॉपलेट्स के थ्रू हमारी बॉडी में ट्रेवल करता है, या फिर हम जब किसी कोरोना पॉजिटिव पेशेंट से हाथ मिलाते हैं या ऐसी जगहों पे हाथ लगाते हैं जहाँ पे ये वायरस प्रेजेंट है, और बिना हाथ धोए अपने नाक आँख या मुंह पे लगाते हैं तो भी ये वायरस हमारी बॉडी में ट्रेवल कर जाता है। इसके लिए ज़रूरी है कि आप रेगुलरली अपने हाथ को धोएं, बहुत ज़्यादा पब्लिक एरियाज़ पे हाथ को ना लगाएं, मास्क का ज़रूर उपयोग करें, पब्लिक मीटिंग्स या पब्लिक गैदरिंग्स में ना जाएं। कोशिश करें कि हाथ पानी से धोएं या साबुन से धोएं, ना कि सैनिटाइजर्स यूज़ करें, क्योंकि सैनिटाइजर से बहुत ज़्यादा स्किन डिजीज़ देखने में आई है। रेगुलरली रेस्पिरेटरी एक्सरसाइजेस करें क्योंकि इससे आपकी इम्यूनिटी काफ़ी इम्प्रूव करेगी। कभी भी बाहर से घर आएं तो अपने कपड़े बदल लें और अच्छे से अपने हाथों को और पैरों को धोएं। पहले कोरोना के बहुत कम सिम्टम्स थे जैसे बुखार, कफ, कोल्ड, गला ख़राब होना, पर अभी नए स्ट्रेन्स आने की वजह से बहुत से नए सिम्टम्स भी दिखे हैं, जैसे कफ, कोल्ड और थ्रोट पेन तो है, साथ में फीवर कुछ में दिख रहा है, कुछ में नहीं भी है, चेस्ट पेन है, लूज मोशंस लग रहे हैं, एक्सट्रीमली वीकनेस है, ऑक्सीजन नीचे जा रही है। पर इसका मतलब ये नहीं कि हर कफ कोल्ड के पेशेंट को या लूज मोशन के पेशेंट को कोरोना ही है, क्योंकि ये मौसम बदल रहा है और अक्सर इस मौसम में हमको कफ कोल्ड दिखता है, या फिर जिनकी पुरानी हिस्ट्री है एलर्जिक राइनाइटिस की, अस्थमा की, कफ कोल्ड की, उनको अक्सर इस मौसम में प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए खुद से ट्रीटमेंट ना करें, डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। एक साल होने को आया है जब हम सिर्फ कोरोना के बारे में सुन रहे हैं, कोरोना की वैक्सीन, कोरोना की दवाइयाँ, घरेलू नुस्खे और बहुत सी एडवाइसेस। हॉस्पिटल में पेशेंट का ट्रीटमेंट भी हो रहा है, परंतु फिर भी लोग मर रहे हैं, और उसका सबसे बड़ा कारण है डर। डर कि हमें कोरोना वायरस है, डर कि अब हम बच नहीं पाएंगे। जो भी पेशेंट कोरोना पॉजिटिव होता है उसके दिमाग में ये बहुत फिक्स हो जाता है कि ये बहुत ही जानलेवा बीमारी है, जबकि ऐसा है नहीं। और जब भी हम बहुत डर जाते हैं तो हमारी बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होता है, क्रोटिनोजोल। क्रोटिनोजोल हमारी दिमाग में जब रिलीज होता है तो हमारे केमिकल चेंजेस कर देता है, जिसकी वजह से हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है, शुगर बढ़ने लगती है, इम्यूनिटी फॉल करने लगती है, धड़कन बढ़ने लगती है, सांस लेने में तकलीफ़ होने लगती है। पेशेंट वैसे भी अपनों से दूर होता है, माहौल भी बहुत टेंस रहता है, और वार्ड में बहुत सी डेथ्स देख लेते हैं हम, और साथ में सोशल मीडिया का इतना सारा स्ट्रेस, इन सब की वजह से जो अत्यधिक हमारे विचार आने लगते हैं, उसकी वजह से हमारी बॉडी और डिटेरिएट करने लगती है, बॉडी में क्रैम्प्स पड़ने लगते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट की कंडीशन और ख़राब होती रहती है, और उसके ऊपर से इतनी सारी दवाइयाँ, काढ़े और बहुत सारे घरेलू नुस्खे। इन सब से बचा जा सकता है यदि हम अपनी बॉडी को एल्कलाइन रखें, जो कि बहुत ही आसान है। 2 से 3 ग्लास फ्रूट जूस लिया जाए, कोशिश करें सिट्रस जूस ज़्यादा लिया जाए, साथ ही हम नारियल पानी का रेगुलर यूज़ करें, हेल्दी डाइट लें। इससे हमारी बॉडी के टॉक्सिन्स रिलीज़ होने लगेंगे, मिनरल्स और विटामिन्स पूरे होने लगेंगे, जिससे कि हमारी इम्यूनिटी रेज होगी। हो जाए। थैंक यू।
धन्यवाद। अब समय है जन्मदिवस वाले छात्रों को जन्मदिवस की शुभकामनाएं देने का। आज तीसरी ब कक्षा की छात्रा गरिमा एवं सानवी का जन्मदिवस है, तो आइए मिलकर सानवी एवं गरिमा को जन्मदिवस की शुभकामनाएं देते हैं। सागर में एक लहर उठी तेरे नाम की, तुम्हें मुबारक खुशियां सालों साल की। सागर में एक लहर उठी तेरे नाम की, तुम्हें मुबारक खुशियां सालों साल की। तुमको है जीवन में बढ़ते ही जाना, तुमको है जीवन में बढ़ते ही जाना। तुम हो सुंदर बूंद उसके नाम की, तुम हो सुंदर बूंद उसके नाम की। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। आप सभी का जन्म दिवस की शुभकामनाएं देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम देख पा रहे हैं हमारे विद्यालय के प्रधानाचार्य, उप प्रधानाचार्य, अध्यापक, अभिभावक एवं छात्र भी जन्मदिवस के छात्रों को जन्मदिवस की शुभकामनाएं दे रहे हैं। हमारी ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सदैव स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें एवं दीर्घायु को प्राप्त करें। आप सभी से निवेदन है कि डॉक्टर ट्विंकल द्वारा बताए गए दिशा निर्देशों को अवश्य ध्यान से सुने एवं उनका पालन करें। स्वस्थ रहें, घर पर रहें एवं लॉकडाउन के नियमों का पालन करें। नमस्ते।